अभियम उपस्थित है औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के चई नवादा पंचायत के ग्राम पलकिया के वार्ड नंबर एक में। यहां पर लोगों के बीच में समस्या है कि बारिश कम होने के वजह से यहां के लोग किसान धान नहीं लगाए, जिसके कारण आज सुखमरी हो गया है। जो सरकार की ओर से घोषणा किया गया था कि आपदा विभाग से करीब 3500 रुपया हर किसान को मिलेगा, लेकिन अभी तक किसान को नहीं मिलने के कारण मुन्ना अंसारी सहित यहाँ कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बीज लेने के लिए फिर मतलब पैसे की आवश्यकता है। तो आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि आप समस्या है इन लोगों का कि इस बार बारिश नहीं हुआ है, हम लोग के खेत में धान नहीं हुआ, जिसके चलते धान नहीं हुआ से बहुत परेशानी हो गया। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, और जो है कि धान इससे पहले धान उन हो जाता था, हम लोग धान को बेच के बच्चे लोग को पढ़ाई अपना घर का खर्चा आराम से चला लेते थे। तो अभी किस तरह से घर का मेंटेनेंस कर रहे हैं? किसी तरह मजदूरी करके घर का मेंटेन किया जा रहा है। तो पर साल आपका कितना धान हुआ था? हाँ, 5 क्विंटल हो गया था माना, घर खर्चा चल जाता। हाँ, घर खर्चा चल जाता था आराम से एकदम। तो कितने दिन से समस्या है? 20 साल तो सबसे ज्यादा समस्या हुआ है। अच्छा, तो आप कितने घर में परिवार लोग रहते हैं? हम लोग 6 परिवार रहते हैं, 8 परिवार रहते हैं। आठों का इसी से भरण पोषण चल रहा था। सबका इसी से भरण पोषण होता था। तो आप क्या चाहते हैं इसके लिए? किसी पदाधिकारी के आपने अप्लाई किए थे फॉर्म वगैरह? हाँ, फॉर्म तो अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी तो उसका अनुदान मिला नहीं है। मेरा दिक्कत है कि इन साल तो बारिश हुआ नहीं, टाइम पर बारिश नहीं हुआ। टाइम से पहले कुछ बारिश हुआ तो हम लोग बिहन डाले थे, बिहन हो गया था, मगर बारिश नहीं होने के कारण हम लोग का रोपा नहीं पाया, बिहन भी जर गया। अभी हम लोग का रबी बोना है, तो रबी बोने के लिए हम लोग का पैसा नहीं है, बिहन हम लोग कहाँ से खरीदें? धान तो हुआ नहीं, धान बेच करके हम लोग बिहन ले लेते थे। अगले साल भी यही हाल रहा था कि बारिश हुआ था तो अगले साल तो कुछ हो पाया था, मगर इन साल तो जर को भी नहीं हुआ, खेत एकदम परित रह गया। तो हम लोग के यही है कि सरकार हम लोग के कुछ अनुदान देवे और हम लोग के बच्चों को भविष्य बने, इसलिए कि पैसा है नहीं हम लोग के पास कि बच्चे लोग का ट्यूशन पढ़ावे, स्कूल में दाखिला करावे। तो घर में कितने परिवार रहते हैं आप? हम लोग के परिवार 8 हैं। 8 हैं, तो 8ों का परिवार इसी किसानी से चलता? किसानी लोग से चलता था। तो आपने फॉर्म भरे हैं? फॉर्म हम लोग भरे हैं, मगर अभी तक हम लोग का पैसा मिला नहीं है। कितना दिन फॉर्म भरे हो गया? करीब 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन हो गया जी। तो पदाधिकारी से मिले क्या बोले? पदाधिकारी से मिले तो वो बोले कि ठीक है, फॉर्म भर दिए हैं, आप लोग जाइए, पैसा आप लोग के अकाउंट में चल जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं आया। और अभी तक आया नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही है कि हम लोग के जितना जल्दी पैसा मिले कि हम लोग रबी भी बो सकें, उस पैसे से कुछ काम हो। अगर बाद में देगा तो हम लोग क्या करेंगे, रबी होगा नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा। ठीक है, थैंक। सरकार से अनुदान चाहिए, सरकार से सहायता चाहिए कि हमको हेल्प हो सके। बताइए सर, आपके पलकिया के वार्ड नंबर 1 के किसान लोग का अभी तक जो फसल का नुकसान हुआ बारिश नहीं होने के कारण, तो सरकार ने आपदा विभाग से घोषणा किया कि हर किसान को 3500 रुपया देंगे ताकि बीज खरीद करके रबी का फसल लगाएंगे, लेकिन अभी तक उन लोग का पैसा नहीं मिल रहा, जिससे उन लोग काफी असंतुष्ट है। इसके संबंध में सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा आपदा विभाग के द्वारा पैसा नहीं मिलने का कारण है, कारण में मुख्य है हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन पांडे, जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया है। पंचायत में वार्ड के पास पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट, आम जनता से लेकर रखे हुए है। कोऑर्डिनेटर मुझे भी कहे, हमारे पास भी 100 के लगभग है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं ले गए हैं और सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब डॉक्यूमेंट ही नहीं कोऑर्डिनेटर जमा करेंगे तो सरकार कहां से पैसा देगी? सूखाग्रस्त ग्राम पलकिया है, यहां धान का रोपण 5% भी नहीं हुआ है, काफी मशक्कत कर रहे हैं किसान। इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं सुरेंद्र शर्मा, सामुदायिक संवाददाता औरंगाबाद बिहार से इंडिया अनहट के लिए, और इस समस्या समाधान के लिए हमने ब्लॉक के किसान सलाहकार से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, आवेदन लेकर के जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या का निदान किया।